नमस्कार, आप देख रहे हैं एएमजी न्यूज। आपके साथ मैं नीला। शहर और आसपास की खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरू करेंगे प्रमुख खबरों से। पूर्वी सिंहभूम जिले के सदर अस्पताल में पहली बार हुआ कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन। कई चरणों में होगा वैक्सीन, बरतनी होगी सतर्कता। सफाई कर्मियों ने जमशेदपुर अक्षेस के खिलाफ मोर्चा। कामकाज को ठप कर किया जोरदार प्रदर्शन। ईएसआई सुविधा दिए जाने की उठाई मांग। सोनारी थाना क्षेत्र में कार और बाइक के बीच हुई जोरदार टक्कर, 3 लोग हुए जख्मी। बाइक सवार की स्थिति नाजुक। अब खबरें विस्तार से। लंबे समय के बाद बहुत जल्द कोरोना वैक्सीन लोगों को लगाई जाएगी, जिसे लेकर पूरे देश समेत राज्य व जिले में भी ड्राई रन किया गया। खसमहल स्थित सदर अस्पताल में ड्राई रन के जरिए 25 रजिस्टर्ड लोगों को वैक्सीन लगाने का रिहर्सल किया गया। इस दौरान वैक्सीन लगाने वाले लोगों को कई चरणों से होकर गुजरना पड़ा, जहां सर्वप्रथम अपने हाथों को उनके द्वारा धोया गया, फिर टीका केंद्र में गार्ड द्वारा उनकी डेटा चेक की गई, टेम्परेचर जांच कर ऐप में उनका नाम को लोड किया गया, जहां वेटिंग हॉल में अपनी बारी का इंतजार करने के बाद उन्हें इंजेक्शन दिया गया। आधे घंटे तक उन्हें ऑब्जर्वेशन में भी रखा गया। साथ ही इस रिहर्सल के दौरान इंजेक्शन के बाद कुछ लोगों की तबीयत भी खराब हो गई, जिन्हें एम्बुलेंस के जरिए सदर अस्पताल भेजा गया। वहीं इस संबंध में जानकारी देते हुए सिविल सर्जन डॉक्टर आर.एन. झा ने कहा कि प्रथम चरण में चिकित्सकों द्वारा, द्वितीय चरण में फ्रंटलाइन वर्कर्स को और तृतीय चरण में आम लोगों को इंजेक्शन दिया जाएगा, जिसे लेकर ड्राई रन के जरिए तैयारियों का जायजा लिया गया है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से तैयार है, बहुत जल्द लोगों को वैक्सीन लगेगी, जहां 1 माह के अंदर 2 बार वैक्सीन लगाई जाएगी। इसमें 25 लोगों का हम लोगों ने ड्राई रन किया है। इसमें हम लोगों को एक रिएक्शन वाले थे सीवियर, एक माइल्ड रिएक्शन थे, और एक जो डर के चले गए कि नहीं लेंगे वो था, और रेस्ट नॉर्मल थे, जो लोगों ने नॉर्मल लिया है, वैक्सीन लिया है, और आधा घंटा मीटिंग वेट करके वो अपना। सबसे पहले उनको हाथ धोना है, बाहर में वॉशिंग दिया है वहाँ धोना है, फिर उसके बाद आकर के गार्ड उनका चेक करेगा टेम्परेचर, और रिकॉर्ड चेक करेगा कि ठीक से वो सही आदमी है कि नहीं। फिर नेक्स्ट में कंप्यूटर पर इसका जो कोविड का जो पोर्टल है उस पर एंट्री होगा, उसको चेक किया जाएगा और एंट्री होगा, फिर जाएंगे वो मीटिंग एरिया वेट करेंगे, जब उनका नंबर आएगा तब उन्हें वैक्सीन दिया जाएगा, और उसके बाद फिर उनको वैक्सीन देते ही पोर्टल पर एंट्री कर दिया जाएगा, यस हो गया कि पड़ गए, और वेटिंग एरिया में जाकर के वो जब ऑब्जर्वेशन रूम में है उसके बाद जब बैठेंगे वो आधा घंटा बैठेंगे, कोई प्रॉब्लम होगा तो AI फिर रूम में हम लोग उनको डालेंगे, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है तब ठीक है, आधा घंटा का पहुँच जाएगा। नेक्स्ट 1 महीना के बाद अभी जो है, अभी जैसे हम लोग को जो मिला हुआ शेड्यूल, उसके बाद 1 महीना के बाद फिर करना है। जमशेदपुर में डोर टू डोर कचरा उठाने वाले सफाई कर्मियों ने PF ESI की मांग को लेकर जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया कमेटी के खिलाफ सिद्धगोड़ा के बस डिपो में आज अपने कामकाज को बंद कर जोरदार प्रदर्शन किया। सफाई कर्मियों का स्पष्ट रूप से कहना है कि वे डोर टू डोर कचरे उठाने का काम करते हैं, लेकिन उन्हीं को PF ESI जैसी सुविधा नहीं मिल रही है, जिससे उनमें GNSE के खिलाफ रोष है और जल्द से जल्द PF ESI की सुविधा मिलनी चाहिए, ये मांग इन्होंने किया है। वहीं इन्होंने कहा कि अगर उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो आगे चलकर वे अनिश्चितकालीन कामकाज को बंद कर देंगे। मांगे, जब हमारी मांगे आप सुनिएगा तब आपको दिल से तकलीफ आएगा। तकलीफ ये आएगा, 2018 से हम लोग ASI और PF दोनों, ASI तो हम लोग को मिला नहीं है, PF मिल रहा है। अब PF कितना मिल रहा है वो PF का कोई माई बाप नहीं है। आज तक में हम 7,741 रुपया जमा हुआ है, और ASI मांगने पर साहब लोग आश्वासन दे के निकल जाते हैं, तो ASI PF कटने के साथ साथ ASI भी होना चाहिए। ASI इसलिए जो कि किसी आदमी को, किसी के बाल बच्चा को, किसी को कुछ तकलीफ हो जाने पर वो आदमी कहाँ जाए, वो भीख मांगना शुरू कर देता है, 500 तुम दो, 200 तुम दो, 100 वो दो।
जमशेदपुर के सोनारी थाना अंतर्गत लिंक रोड में शनिवार सुबह कार और बाइक के बीच सीधी टक्कर में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें स्थानीय लोगों के सहयोग से टाटा मुख्य अस्पताल ले जाया गया, जिसमें बाइक सवार की स्थिति नाजुक बताई जा रही है। इस दुर्घटना में कार और बाइक दोनों क्षतिग्रस्त हुए हैं। वही घटना की सूचना मिलते ही सोनारी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और क्षतिग्रस्त हुए कार और बाइक को अपने साथ थाने लेकर गई, साथ ही घटना की छानबीन में जुट गई है। बताया जाता है कि कार चालक काफी तेज रफ्तार से जा रहा था, इसी बीच बाइक सवार भी तेज गति से ओवरटेक करने के प्रयास करने लगे। अचानक कार चालक ने अपना संतुलन खो दिया और पहले डिवाइडर से टकरा गया, जिसके बाद ओवरटेक कर रहे बाइक में टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार 2 युवक घायल हो गए, जबकि कार में बैठा एक व्यक्ति भी घायल हुआ है। घायलों की पहचान फिलहाल नहीं हो पाई है। हम लोगों को तो सूचना मिला कि गाड़ी एक्सीडेंट हो गया, सूचना मिल करके हम लोग आए, लेकिन उसको पहले तो गाड़ी वाला जो ड्राइवर करा था उसको तो ले गया ना कदमों वाला, लिंक रोड हाँ घायल हो गया, हॉस्पिटल ले गया है। ऐसे तो 3 आदमी, हम लोग तो एक्सीडेंट के समय नहीं थे, हम लोग एक्सीडेंट का सूचना मिला, हम लोग आए तो देखे कि एक्सीडेंट हो गया था, वो लोग पहले ही हॉस्पिटल जा चुके। जमशेदपुर में लगातार कई वर्षों से सामाजिक मुद्दों पर कार्य कर रही संस्था माई कंट्री इज माई फैमिली के द्वारा एक बार फिर से हेल्थ कार्ड बनाने की मांग झारखंड राज्य के स्वास्थ्य मंत्री के समक्ष रखी गई है, जिससे कि राज्य के प्रत्येक निवासी को इलाज की गारंटी मिल सके। गौरतलब हो कि कुछ वर्षों पूर्व ऐसी ही मांग इनके द्वारा लगातार देश के प्रधानमंत्री के समक्ष लगातार रखी जा रही थी, जिसके बाद देश के प्रधानमंत्री ने पहल करते हुए देश भर में आयुष्मान भारत की स्वास्थ्य योजना शुरू की। हालांकि इससे देश के प्रत्येक नागरिक को जोड़ा नहीं जा सका है, इस कारण संस्था ने हेल्थ कार्ड की मांग उठाई है। इनके द्वारा झारखंड राज्य के स्वास्थ्य मंत्री के अलावे इस मांग को पूर्व में भारत सरकार के समक्ष भी रखी जा चुकी है। संस्था के सदस्यों के अनुसार जब कोई ऊंचे पद का व्यक्ति स्थानीय इलाज नहीं होने पर बाहर इलाज करवा सकता है तो आम नागरिक क्यों नहीं, वही अधिकार उनको भी मिलना चाहिए और इसके लिए हेल्थ कार्ड जरूरी है, ताकि स्थानीय अस्पतालों में इलाज नहीं मिलने से मरीज हेल्थ कार्ड के माध्यम से बाहर अपना इलाज निःशुल्क रूप से करवा सके। जी हम लोग माई कंट्रीज माई फैमिली संस्था से हैं। हमारी मांग है कि सभी हिंदुस्तानियों का हेल्थ कार्ड बने। इस पर हम लोग लगातार 4 साल से कोशिश करें। इसी बात की जानकारी 26 दिसंबर को हमने राज्य के झारखंड राज्य के स्वास्थ्य मंत्री श्री बन्ना गुप्ता जी को ज्ञापन के माध्यम से दिया और हमारी मांग है कि जल्द से जल्द राज्य सरकार द्वारा भी सभी झारखंड वासियों का हेल्थ कार्ड इशू किया जाए, क्योंकि जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं और राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं उसका सीधा झारखंड वासियों का मिले और हर एक झारखंड वासी अनमोल है। क्योंकि आप देखते हैं जब अगर कोई मंत्री भी बीमार होता है तो गैर राज्यों में जाता है, विदेश में इलाज करने जाता है, तो आम जनता की जिम्मेदारी सरकार की है कि उसी स्तर पर हर एक झारखंड वासी का इलाज हो। तो हम इसी के साथ सभी झारखंड वासियों को और देशवासियों को, साथ ही साथ देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को नए वर्ष की शुभकामना देते हुए हम उम्मीद करते हैं इस साल देश के झारखंड वासियों और देशवासियों को हेल्थ कार्ड का तोहफा मिलेगा। पिछले 1 साल में सरायकेला खरसावां जिले के आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र के लगभग सभी 35 वार्डों में 14 करोड़ से अधिक की विकास योजनाएं ठप पड़ी हुई है। इसको लेकर आदित्यपुर नगर निगम के मेयर एवं नगर आयुक्त शनिवार को सभी संवेदकों के साथ बैठक कर योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर चर्चा की। वैसे योजनाओं के क्रियान्वयन में आने वाली समस्याओं से संवेदकों ने निगम को अवगत कराया। बताया जाता है कि पूरे आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र में सीवरेज ड्रेनेज पाइपलाइन और गैस पाइपलाइन को लेकर जहां तहां गड्ढे छोड़ दिए गए हैं, जिससे विकास योजनाओं को धरातल पर उतारने में संवेदकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नगर निगम के मेयर ने जुस्को, जिंदल और गेल को जल्द से जल्द अपना काम पूरा करने का निर्देश दिया है, साथ ही संवेदकों को हो रही परेशानियों का जल्द समाधान दिलाने का भरोसा दिलाया। उन्होंने बताया कि निश्चित तौर पर
उन एजेंसियों की वजह से पूरे निगम क्षेत्र का विकास कार्य अवरुद्ध पड़ा हुआ है। जल्द ही अगर तीनों एजेंसी अपने कामों को नहीं करती है तो आम लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। वैसे पूरे निगम क्षेत्र के लोगों को इन दिनों काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसको लेकर विरोध प्रदर्शन भी लगातार किया जा रहा है। अब इसका अगला प्रक्रिया है एग्रीमेंट करना है, करारनामा करना। वही संवेदकों से बैठ कर के विचार किया जा रहा था कि किसके काम में क्या गड़बड़ी है, कहीं रोक है, कहीं बना हुआ है, कहीं नहीं बना हुआ है। मैंने कठिनाइयों के बारे में पूछा गया, तो जिसको जो कठिनाई भी आया उन्होंने बोला। हम लोग की तरफ से ये बोला गया कि एक हफ्ता के अंदर में उसको करारनामा करके काम शुरू कर दें, फरवरी लास्ट तक उसको कम्प्लीट कर दें। इस पर सभी संवेदकों ने, उपस्थित सभी संवेदकों ने सहमति जताई, चूंकि एक साल से वो लोग भी दौड़ रहे हैं कराने में, उनको भी अपेक्षा है कि जल्दी यह काम शुरू हो जाए, अंत हो जाए। आज की बैठक का निष्कर्ष यही था। फिर अगला बैठक हम लोग का जो एजेंसी, बाहर वाला एजेंसी है, जैसे सापूजी पालम जी, जिंदल, गेल इंडिया, उन लोग के साथ और इन लोगों को मिला करके एक सामूहिक बैठक किया जाएगा, जिसमें रास्ता निकाला जाएगा। जमशेदपुर में सामाजिक कार्यों में अव्वल रहने वाली टीम संघर्ष ने अपने नए साल की शुरुआत पीड़ित एवं असहाय लोगों के साथ की, जहां इन्होंने बिष्टपुर स्थित नव जागृत कुष्ठ आश्रम पहुंचकर वहां पीड़ितों को भोजन करवाया। वैसे पूर्व से ही इनके द्वारा साल के 290 बेला में यहां असहायों को भोजन उपलब्ध करवाया जाता है और आश्रम के उत्थान के लिए लगातार इनके द्वारा बड़ी संख्या में यहां विकास कार्य किया गया है। वर्ष 2021 की शुरुआत इनके द्वारा इन असहाय और पीड़ितों के साथ शुरू की गई, साथ ही इस वर्ष भी 290 बेला इन्हें भोजन उपलब्ध करवाने का संकल्प भी टीम संघर्ष ने लिया है। संघर्ष परिवार 2021 का पहला दिन है आज साल का, और लगातार टीम संघर्ष परिवार लगभग 10 सालों से आज 290 बेला नव जागृत मानव समाज कुष्ठ आश्रम परिसर में ये अन्नदान का अभियान चला रहा है, और आज उसी के तहत पूरा टीम संघर्ष परिवार एकत्रित हुआ है साल के पहला दिन, ताकि इनका सालों भर जो जीवन है वो खुशनुमा माहौल में रहे। हम जिस तरह से अपने परिवार के बीच रहते हैं, उसी तरह से ये हमारा एक बड़ा पूरा परिवार है। एक दिन भी यहाँ नहीं आने से हम लोगों का दिलों में भी वो दर्द उठता है, इसीलिए आज सब अपने व्यस्ततम कार्यक्रम में से समय निकालकर आज इनके लिए रात्रि वेला उत्तम भोजन की व्यवस्था टीम संघर्ष परिवार की ओर से किया गया है, और हम इन सभी के लिए मंगल कामना, नए साल का शुभकामनाएं एवं भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इनके जीवन हमेशा खुशियों से भरा रहे। टाटानगर स्टेशन से 9 महीने बाद हटिया के लिए लोकल ट्रेन रवाना हुई। बता दे, 10 बोगियों की ट्रेन में मात्र 7 यात्री सवार हुए। दोपहर 1 बजे हटिया के लिए 9.25 महीने के बाद लोकल ट्रेन शुरू हुई। प्लेटफॉर्म नंबर 1 से रवाना 10 बोगियों की ट्रेन में मात्र 7 यात्री सवार हुए। इससे रेलवे को राजस्व का नुकसान भी हुआ। वहीं ट्रेन में 10:30 बजे हटिया से चलकर टाटानगर आई थी, जिसमें 3 यात्री सवार थे। लोकल ट्रेन को लेकर टाटानगर और आदित्यपुर स्टेशन पर एक एक जनरल टिकट काउंटर खोला गया था। टाटा हटिया महीना के बाद आज तो हमको बहुत अच्छा लग रहा है कि इसका आगे बहुत दिक्कत हो रहा था ना, काहे कि बहुत पैसा लग जा रहा था उसमें जाने में, ये हम लोग के लिए थोड़ा संभव कम था। अभी तो बहुत खुशी की बात हुई, चलिए बहुत अच्छा है, अच्छे जा रहे हैं हम लोग। बहुत परेशानी हुआ, वो बस भी बंद था, जाने आने में बहुत पैसा लगता था, बहुत परेशानी उठाने पड़ता था, उसी में सब दिक्कत बुझा रहा था। पिछले 1 महीने से भी अधिक समय से कृषि बिल 2020 के विरोध में दिल्ली बॉर्डर पर जमे किसानों के समर्थन में देश के अलग अलग हिस्सों से आवाज बुलंद हो रहे हैं। बावजूद इसके केंद्र सरकार किसानों की मांग को मानने से अब तक इनकार करते रही है। इधर जमशेदपुर में भी किसानों के समर्थन में लगातार केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध के स्वर
उठ रहे हैं। रविवार को सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी आंदोलनरत किसानों के समर्थन में केंद्र सरकार के खिलाफ काला बिल्ला लगाकर जन आक्रोश रैली आयोजित करेगी। इसकी जानकारी सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने देते हुए बताया कि गुरुद्वारा में सिख समाज द्वारा बिरसा चौक तक रैली का आयोजन किया गया है, जहां रैली एक सभा में तब्दील हो जाएगी, जहां से 5 लोगों का एक प्रतिनिधि मंडल जिले के उपायुक्त से मुलाकात कर विरोध कर रहे किसानों के समर्थन में मांग पत्र सौंपेगी। किसानों के समर्थन में 10 बजे अपना सेंट्रल गुरुद्वारा कमेटी कार्यालय से एक रोस मार्च निकलेगा, जो साक्षी गोल चक्कर, जिसको हम लोग बिरसा चौक कहते हैं, वहां पर जाके समाप्त होगा और वहीं पर सभा के रूप में बदल जाएगा। और वहां से 5 आदमी हमारे डीसी साहब को एक ज्ञापन जाकर सौंपेंगे और किसानों के समर्थन में मांग करेंगे, काला बिल्ला लगाएंगे। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, कल आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए AMG न्यूज़ की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।